नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल इंडियन रेसिपीज विद सीमा में आपका स्वागत है। यदि आपको मेरे वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, इस तरह से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बहुत ही स्पेशल स्वादिष्ट चटनी बनाना बता रही हूँ। इसे आप समोसे, पकौड़े, पूड़ी, पराठे सभी के साथ खा सकते हैं। ये खाने में बहुत ही लाजवाब लगती है। स्पेशल चटनी बनाने के लिए चाहिए 1 टीस्पून जीरा, आवश्यकता अनुसार काला नमक, आधा कप पुदीना के हरे पत्ते, 3 लहसुन, हरी मिर्च, 3 से 4 टुकड़े अदरक, 7 से 8 काजू, आप काजू की जगह भुनी हुई मूंगफली के दाने ले सकते हैं, 1 टेबल स्पून फ्रेश दही, 2 टेबल स्पून आलू भुजिया या भुजिया सेव, 2 कप हरा धनिया। चटनी तैयार करते हैं। इसके लिए हरी धनिया को मिक्सर के जार में डाल दें। हरी धनिया ज़्यादा क्वांटिटी में लें तभी चटनी अच्छी बनेगी। जैसे 2 कप हरी धनिया तो आधा कप पुदीना के पत्ते, हरी मिर्च स्वादानुसार ऐड करें, आलू भजिया 2 चम्मच लिया है इसे इसमें ऐड कर दें, दही स्वादानुसार ऐड करें 1 टेबल स्पून। यदि आप दही नहीं डालना चाहते इस चटनी में तो आप दही की जगह 1/2 टेबल स्पून नींबू का रस ऐड करें। काजू के पीस इसमें ऐड कर दिया, अदरक लहसुन इसमें ऐड कर दें। यदि आप लहसुन नहीं खाते तो मत डालिए। इसमें 1 टेबल स्पून जीरा ऐड कर दें, काला नमक स्वादानुसार ऐड करें। यदि आपके पास काला नमक नहीं है तो सादा नमक इसमें ऐड करें, लेकिन काला नमक डालने से इसका टेस्ट और ही अच्छा आता है। इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दें और इसे अच्छे से पीस लें। इसे पीस लिया है, इसे चेक करके देखते हैं चम्मच से, ये अच्छे से पिस नहीं पाया है तो इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड करते हैं हम। ध्यान रखें इसमें शुरुआत में ज़्यादा पानी ऐड ना करें, क्योंकि शुरू में ज़्यादा पानी ऐड कर देंगे तो इसका फाइन पेस्ट तैयार नहीं हो पाएगा। धीरे धीरे ही इसमें पानी ऐड करें। इसे मिक्सर में अच्छे से पीस लिया है दोबारा, इसका फाइन पेस्ट बनकर तैयार हो गया है। ये स्पेशल चटनी बनकर तैयार है। फ्रेंड्स, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और मेरे चैनल इंडियन रेसिपीज विद सीमा को सब्सक्राइब करना ना भूलें।